हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या हेल्प किचन। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गेहूं के आटे से बिल्कुल अलग तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तरीके से मिठाई कैसे बना सकते हैं, बर्फी कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बर्फी बनाने के लिए इस टाइम मैंने 200 ग्राम के लगभग गेहूँ का आटा लिया है। ये लिए मैंने कढ़ाई, तो सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करना है। तो आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद इस तरीके से जो मैंने गेहूँ का आटा लिया था उसको डाल देना है। तो मैंने 200 ग्राम के लगभग ये गेहूं का आटा लिया है, तो इसको थोड़ा सा सेक कर 1 से 2 मिनट सेक कर फिर इसमें घी डालना है। आपको पहले घी का यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस तरीके से इसको 50 से 60% सेक लेंगे और फिर घी डालेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, तो इसमें घी डालना है। घी इस टाइम मैंने 100 ml के लगभग लिया है, तो इसमें 50 ml के लगभग इसमें मैंने आप देख सकते हैं इस टाइम डाला है। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है घी में जो मैंने गेहूँ का आटा लिया है उसको। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मैंने केवल 2 मिनट तक ही पहले सेका था गेहूं के आटे को और उसके बाद फिर इस तरीके से घी ऐड किया और इस तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से घी को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो पूरा गेहूँ का आटा इस तरीके से मिक्स हो चुका है। तो इसको इस तरीके से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लिया है 100 ग्राम के लगभग मिल्क पाउडर। ये नॉर्मली जिसके हम गुलाब जामुन बनाते हैं वो वाला मैंने आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर लिया है, क्योंकि 2 टाइप के मिल्क पाउडर होते हैं तो आपको गुलाब जामुन बनाने वाला ही लेना है। तो जो मैंने 100 ml आप देख सकते हैं घी लिया था उसमें से थोड़ा सा और ऐड करना है। आपको एक साथ ही पूरा ऐड नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं मिल्क पाउडर को। आप जो थोड़ी सी गेहूँ के आटे की क्वान्टिटी ज़्यादा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर को भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें दूध ऐड करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 250 ml का इस तरीके से मैंने आप देख सकते हैं दूध का एक कप लिया था। तो दूध इस तरीके से डाल दिया है। तो सबसे पहले जो मैंने दूध डाल रखा है इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आपको एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो लम्स भी पड़ सकते हैं पेस्ट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और दूध भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो 500 ml के लगभग मतलब आधा लीटर के लगभग दूध का यूज़ करना है इसमें। तो सबसे पहले इस तरीके से मिक्स करने के बाद दूध को इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप देख सकते हैं इस टाइम लिए मैंने 200 ग्राम के लगभग और फिर आप देख सकते हैं मैंने दूसरा 250 ml का इस तरीके से डाल दिया। तो आधा लीटर के लगभग दूध का यूज़ हुआ है और 200 ग्राम के लगभग चीनी का यूज़ हुआ है इसमें। और आपको एक साथ दूध नहीं डालना है, चीनी डालने के बाद फिर से आपको थोड़ा सा दूध आधा दूध बाद में डालना है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से सबसे पहले इसके इस तरीके से लम्स ख़त्म करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे और पकाना है इसको 4 से 5 मिनट के लिए। तो चीनी और दूध को भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली इस तरीके से आपको लम्स इस तरीके से हटाने हैं, ये बिल्कुल आराम से पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा और इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही इजी तरीके से गेहूं के आटे की बर्फी बन जाती है, तो आपके घर में इसको कोई भी आसानी से बना सकता है। तो इस तरीके से इसके लम्स आप देख सकते हैं ख़त्म करते रहना इस तरीके से। तो बिल्कुल इजीली ये बनके तैयार हो जाती है, आप कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं। इस टाइम मैं नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद इसका बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है और जो लास्ट में घी बचा था उसको ऐड कर देंगे और थोड़ा सा घी बच भी चुका है आप देख सकते हैं। पूरे 100 ml घी का भी यूज़ नहीं हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से लास्ट में अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका हलवे जैसा टेस्ट नहीं आता है। इसमें मिल्क पाउडर डला हुआ है और भी इसमें अलग चीज़ डली हुई है, तो इसका हलवे की जैसा टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल अलग तरीके से इसका और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आएगा इसका टेस्ट। ये बिल्कुल बर्फ़ी जैसे बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो एक बार आप इस तरीके से बनाकर भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं घी भी अच्छी तरीके से इसमें अब्जॉर्ब हो चुका है, मिक्स हो चुका है घी भी। और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, ये एक साथ ही आने लगा है बैटरी, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है बनकर। तो अब इसमें इलायची का पाउडर ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इलायची पाउडर इसमें मैंने डाला है, तो इसको भी ऐड करके मिक्स करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने इस तरीके से ट्रे में डाल लिया है, पहले मैंने घी लगाया था और उसके ऊपर आप देख सकते हैं डाला है इस तरीके से पेस्ट को। और ये मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं ये स्पेशल वाला लिया है, तो इसके मदद से अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना है। आप किसी भी चीज़ में सेट कर सकते हैं बर्फ़ी को, और अगर आपको इसको बर्फ़ी के जगह और कुछ शेप देना है तो आप दे सकते हैं। तो
इस तरीके से आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना है ऊपर से भी। तो घी लगा के मैंने आप देख सकते हैं स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से सेट भी कर लिया है, और आप चाहें तो इसको पलट भी सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें पिस्ता ऊपर से लगाएंगे। आप अगर चाहें तो इसमें जो सिल्वर फॉइल पेपर होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, चांदी का वर्क भी इसमें लगा सकते हैं। बट इस टाइम इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने पिस्ता लगा के इसको सर्व किया है, तो बहुत ही अलग तरीके से इसका टेस्ट आएगा और बिल्कुल ज़्यादा ये कम सामान में भी बनती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है, आप ये देख सकते हैं। तो अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखना है नॉर्मली टेम्परेचर में। तो 3 से 4 घंटे के बाद अब इसको कट करना है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे बिल्कुल बाज़ार में बर्फ़ी होती है उस तरीके से सेट हुई है। तो इसको कट कर लेना है आप, मैंने जैसे आपको कहा था मैं बर्फ़ी के शेप में काटूंगी, तो इसको इसी तरीके से कट कर लेना है। अगर आपको और भी कोई शेप में काटना है तो आप काट सकते हैं। तो इस तरीके से जो नॉर्मल आप देख सकते हैं बर्फ़ी का शेप होता है उस तरीके से कट कर लेना है। तो ये कट भी हो चुकी है, तो मैं आपको एक पास से भी दिखा देती हूँ बर्फ़ी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे बाज़ार में बनती है उसी तरीके से बनी है ये। आपको बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं पता चलेगा कि गेहूं के आटे की बनी, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो मैं आपको एक दूसरी भी दिखा देती हूँ। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं।